हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास यहां पे जो डिवाइस है वो है आईटेल F48 6000 के बजट में। ये डिवाइस आता है आईटेल F48 और यहां पे मेंशन किया गया है इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड अंडर 5000 और चारों तरफ यहां पे आईटेल का ब्रांडिंग और यहां पे मेड इन इंडिया मेंशन किया गया है। यहाँ पे 6.1 इंचेस का HD प्लस वाटर ड्रॉप स्क्रीन, इसके अलावा यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का जिक्र किया गया है और पीछे दिया गया है इसी डिवाइस के बारे में कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स, जैसे कि 6.1 इंचेस का HD प्लस IPS एलसीडी वाटर ड्रॉप स्क्रीन है और 8 मेगापिक्सल का ड्यूल यहाँ पे रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, 3000mAh का बैटरी, एंड्रॉयड 10 मिलेगा इसमें और साथ ही साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो अप टू 128GB तक और काफ़ी सारा यहाँ पे चीज़ें इसी डिवाइस के बारे में लिखा गया है। और इस डिवाइस में है 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज और ये जो कलर है ये है यहाँ पे ग्रेडियंट पर्पल कलर में ये डिवाइस है। तो चलिए फिलहाल इसी डिवाइस को करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ इस डिवाइस के अंदर दिया गया है। उससे पहले गाइस, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहाँ पे जो ऊपर का शील्ड है इसे ब्रेक कर दिया है। आजकल मार्केट में 6000 के नीचे के डिवाइसेज आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन ये एक डिवाइस है आईटेल की तरफ से जो 6000 के अंदर में आ जाता है, 5500 से लेके 6000 के बीच में। और जैसे ही अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ इस तरीके से एक सेक्शन ऊपर है, यहाँ पे आपको एक कवर दिया गया है, यहाँ पे प्लास्टिक का कवर है, इसके अलावा यहाँ पे 3000mAh का बैटरी और कुछ डॉक्यूमेंटेशन आईटेल की तरफ से और कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन के साथ में ये रहा ग्रेडियंट पर्पल कलर में ये आईटेल F48 और ऊपर एक स्टिकर है और फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक 3000mAh का बैटरी 6.1 इंचेस का डिस्प्ले के बारे में लिखा गया है। पीछे का जो लुक है डेफिनेटली काफ़ी शानदार लग रहा है और प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिवाइस है। और बाकी कंटेंट्स को लेकर बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक बेसिक चार्जर और यहाँ पे एक डाटा केबल दिया गया है जो डाटा ट्रांसफरेंट चार्जिंग के मामले में काम आएगा और ये एक बेसिक से अडोप्टर इसी फ़ोन की चार्ज करने के लिए दिया गया है। और डिवाइस के साथ जो कवर दिया गया है काफ़ी हार्ड है, प्लास्टिक का कवर है और इसी प्रोडक्शन को निकालते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइस का लुक्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी। प्लास्टिक से बना हुआ है पीछे का बॉडी और चलिए इसे खोल के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूल रियर कैमरा, LED फ्लैश और 2 नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। डिवाइस के अंदर हमने बैटरी डाल दिया है और चलिए ऑन करते हैं डिवाइस को। और कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आपको नज़र आता है आईटेल F48 का, वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ में आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्पीकर व्हील, नीचे की तरफ देखा जाए माइक्रो USB पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन भी दिया गया है। इस साइड से देखेंगे कुछ भी नहीं है, ऊपर 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है और राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिया गया है। जो लुक्स डिज़ाइन है ख़राब नहीं है, एवरेज क्वालिटी का यहाँ पे लुक्स डिज़ाइन मिलता है। और इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ पे 270 का PPI है, IPS एलसीडी है 6.1 इंचेस का। स्क्रीन साइज मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा, क्वालिटी भी डिस्प्ले का डेफिनेटली अच्छा है, ख़राब नहीं है। वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ में इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है आईटेल F48 में। और बाकी परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ स्पीड के मामले में डिवाइस कैसा रहेगा, इसमें 2GB रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज है और क्वाड कोर प्रोसेसर है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर होना चाहिए था इस डिवाइस में, क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 1.4GHz क्लॉक स्पीड के साथ में। और स्पीड के मामले में यहाँ पे गेमिंग को लेकर बात करूँ तो एवरेज क्वालिटी का यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा आपको ये डिवाइस। और इस डिवाइस में 3000mAh का बैटरी दिया गया है, एक रिमूवेबल बैटरी इस डिवाइस में दिया गया है। इस डिवाइस में सिक्योरिटी को लेकर बात करूँ तो फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है। और डिवाइस में चलिए सेट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक और देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। सेट करते हैं चलिए, और बहुत ही फास्ट हो रहा है और स्लो नहीं हो रहा है फिंगरप्रिंट स्कैनर। और फिंगरप्रिंट स्कैनर देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा कुछ फास्ट नहीं है, स्लो भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्लो परफॉर्म करता है, लेकिन ज़्यादा स्लो नहीं होगा। तो अब तक हमने देखा है डिवाइस में डिस्प्ले क्वालिटी, मुझे डेफिनेटली अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी लगा प्राइस रेंज के हिसाब से
देखा जाए रैम एंड रोम में कोई भी कमी नहीं है। 2GB रैम इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिलेगा और 32GB इंटरनल स्टोरेज एंड्रॉयड बी वर्जन आपको इस डिवाइस में 10 दिया गया है। लेकिन प्रोसेसर थोड़ा सा वीक है, स्पीड ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्वाड कोर प्रोसेसर है तो इसमें थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगा। कैमरा को लेकर बात करो तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है और फ्रंट फेसिंग कैमरा 5 मेगापिक्सल। यहाँ पे देख सकते हो डिटेल, लो लाइट परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं करेगा यह डिवाइस। आउटडोर कंडीशन एंड डेलाइट में आपको अच्छा खासा एवरेज क्वालिटी का फोटोग्राफी देगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्वालिटी इस डिवाइस में कैमरा को लेकर बात करूँ तो नहीं होगा। तो अब चलिए दोस्तों इस डिवाइस की बात करते हैं प्राइस रेंज के बारे में। जो 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट है, इसका एग्जैक्ट जो प्राइस है वो है 5999 रुपीस, और इसमें आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट भी मिल जाता है जो 5700 के आसपास में ये डिवाइस मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर 6000 के अंदर कोई भी डिवाइस लेना चाहते हो ITEL F48 आप ले सकते हो 5500 के आसपास में। मेरे ख्याल से सैमसंग M01 कोर से काफ़ी बेहतर ये डिवाइसेस सैमसंग के डिवाइसेस में से इस प्राइस पॉइंट पे। और अगर आप 7000 के आसपास से लेना चाहते हो तो बेहतर से बेहतर डिवाइस आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो यही था दोस्तों ITEL F48 की अनबॉक्सिंग और इस डिवाइस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।